अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारे इन पेज की क्लास नंबर 16 है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि हम इन पेज में एक नया कलर कैसे तैयार करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें जो पहले से मौजूद कलर है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी हम कलर अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन पेज ओपन किया और एक न्यू फाइल बनाई, और न्यू फाइल के अंदर यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया, जैसे कि हम ये पिछली फाइल या इसके अंदर जो है हम कलर दिखा दूँ आपको मैं, यहाँ पे कलर जो है इतने से मौजूद हैं। इसमें बहुत सारे कलर मिस हैं, तो हमने अगर कोई नया कलर बनाना हो तो वो कैसे बनाना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आखिरी ऑप्शन आप देख सकते हैं, डिफाइन कलर लिखा हुआ है, तो आपने इस कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई और कलर को मॉडिफाई करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो हमने न्यू कलर बनाना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस कलर का नाम देंगे, जैसे मैं टेस्ट लिख देता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पे ये देखे सारे के सारे कलर आ गए हैं। तो जो ऐसा कलर जो आपके पास ना हो आप यहाँ से बना के उसको, जैसे कि मैं ये कलर बनाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इनका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि ये ऊपर वाला जो है ये हर, जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है RGB, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह से इसका नाम बनता है। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये जो हमारे जो है सिर्फ स्क्रीन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमने सिर्फ पंपलेट बनाना है जो हमने सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करना है। अगर हमने प्रिंट वगैरह निकलवाना है कलरफुल तो फिर हम इस कलर को यूज़ करते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके इस कलर को यूज़ करके हम उससे प्रिंट निकलवाएंगे तो हमारे जो कलर होगा वही कलर निकलेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हम कंप्यूटर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं तस्वीर बनाने के लिए, तो हम ये कलर सेलेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, जो कलर अभी हमने लगाया है तो यहाँ पे ये देखे टेस्ट के नाम से न्यू कलर आ गया है। तो इसको हम बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कलर बनाया, कलर बना के मैं क्लोज करता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट को हमारे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उस, ये देखें इधर भी हमारा वो कलर आ गया। तो इस कलर पर आ गया, हमने सेलेक्ट करना है और ये हमारा वो कलर आ गया है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर बना सकते हैं और जो पहले से मौजूद कलर है उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।